कहते हैं मोहब्बत, मोहब्बत पहली, दूसरी या तीसरी नहीं होती। मोहब्बत पहली, दूसरी या तीसरी नहीं होती, मोहब्बत तो वो होती है जिसके बाद फिर कभी मोहब्बत नहीं होती। हेलो ऑल, नमस्कार। मेरा नाम है क्रांति प्रकाश झा, यानी कि आपका अपना केपीजे। और मैं जो आज कहानी लेकर आया हूं, जो किस्सा लेकर आया हूं, मैं यकीनन कह सकता हूं कि आप सब ने इस कहानी को कहीं ना कहीं, कभी ना कभी अपनी जिंदगी में जरूर जिया होगा, क्योंकि ये कहानी है प्यार के बारे में, इश्क के बारे में, मोहब्बत के बारे में। और जिस इंसान ने अपनी जिंदगी में मोहब्बत को नहीं जिया, उस इंसान ने तो फिर क्या ही जिया। तो आज की कहानी शुरू करते हैं। किसी ने सच ही कहा है, हर चीज का एक तय वक्त होता है। कभी कभी सब कुछ इतनी आसानी से मिल जाता है तो कभी कभी बरसों बीत जाते हैं, मगर खत्म नहीं होती है तो है उम्मीद और अपने सपनों को पा लेने की वो ख्वाहिश जो हमें हर पल सताती रहती है, तो कभी जो सोए हुए हैं उनको जगाती रहती है। आपने भी जरूर कभी ना कभी ऐसा महसूस किया ही होगा कि हम जितना अपने सपने के पीछे भागते चले जाते हैं, सपने उतने ही आगे निकलते जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही होता है इश्क। जितना इसमें रिस्क होता है उतना ही इसमें ट्विस्ट भी होता है। तो आज की कहानी में रिस्क के साथ साथ बहुत सारे ट्विस्ट भी हैं। और हमारी कहानी का जो किरदार है आशीष, वो अपने सपनों के पीछे भागते भागते मोहब्बत से कोसों दूर चला जाता है, लेकिन आज बहुत ही ज्यादा खुश है। और खुश भी क्यों ना हो, क्योंकि आज उसे अपने सबसे अच्छे दोस्त की शादी के लिए जयपुर रवाना होना है। चंडीगढ़ से 12 घंटों का तन्हा सफर, मगर फिर भी इस मनचले के मन में एक्साइटमेंट की कोई कमी नहीं है। तो सुबह से बस यही सोचता जा रहा है कि हर जगह लेट पहुंचने वाला मैं आज बस कुछ भी करके समय पर बस अड्डे पहुंच जाऊं। दिन भर शादी में पहनने के कपड़े तलाशते तलाशते कब दिन ढल गया उसे पता ही नहीं चला। और आखिरकार वो समय आ ही गया जब उसकी जिंदगी का एक खास और खूबसूरत सफर शुरू होने वाला है। आशीष ने टिकट बुक करते समय ये वादा कर लिया था खुद से कि विंडो सीट पर बैठकर पूरे रास्ते का आराम से लुत्फ उठाएगा। बस में चढ़ते ही अपनी धुन में गुनगुनाता हुआ आशीष जैसे ही अपनी सीट नंबर 24 के पास पहुंचा तो उसका मुंह खुला का खुला रह गया, क्योंकि इसके पहले आज तक उसके साथ ऐसा कभी नहीं हुआ था, क्योंकि उसकी सीट पर बैठी थी कोई अप्सरा। इसे देखकर यह मनचला बस देखता ही रह गया। और उसके मन में यही ख्याल आया, न जाने कितनी फुर्सत से खुदा ने इसे बनाया होगा, न जाने कितनी फुर्सत से खुदा ने इसे बनाया होगा, और कितना खुशनसीब होगा वो जो इसे पाकर जिंदगी भर मुस्कुराएगा। चांद की चांदनी से भी ज्यादा सफेद वो लड़की जिसने सफेद मखमल सा सूट पहना हुआ है, कानों में लहराती उसकी बालियां, आंखों में काले रंग का एकदम गाढ़ा काजल, हाथों में पहनी हुई सिल्वर रंग की ढेर सारी चूड़ियां, लाल रंग के सुर्ख होंठ, वो देखने में एकदम अप्सरा ही लग रही थी। वो अपने फोन में इतना मशगूल थी कि उसे अंदाजा ही नहीं था कि कोई है तो उसकी चांदनी में गोते लगा रहा है। तभी पीछे से किसी ने आशीष को आवाज दी और कहा, अरे भाई आगे तो बढ़ो। वो आवाज कान में पड़ते ही आशीष जैसे खुली आंखों से देखते सपने से बाहर आया और धीमे धीमे कदमों से उस लड़की के बगल वाली सीट पर जाकर बैठ गया।
जब उस लड़की को थोड़ी आहट अपने आसपास महसूस हुई तब उसने एक झलक उस लड़के की ओर देखा जो अब भी टकटकी लगाए बस उसे ही देखता जा रहा है। उस लड़की को थोड़ा अजीब लगा तो अपना फोन लेकर खिड़की से बाहर की ओर देखने लगी। अब आशीष इस कदर उस पहली नजर के वार से घायल हो चुका था कि उस लड़की से इतना भी नहीं कह सका कि मोहतरमा आप मेरी सीट पर बैठे हैं। वो तो बस इस पल में उसके नजदीक रहना चाहता था। और देखिए ना, भगवान ने उसे मौका भी कितना अच्छा दिया था। आपको भी कुछ याद आने लगा? दौड़ाइए अपने याददाश्त के घोड़े। आपने भी तो कभी ना कभी ऐसी वाले सिचुएशन को जिया ही होगा जब आपको एहसास हुआ होगा कि शायद आपको पहली नजर में प्यार हो गया है। ये प्यार होता ही ऐसा है जहां कुछ सही गलत नहीं होता, बस प्यार होता है। कोई आपसे करे या ना करे पर आपके दिल में उस एक शख्स के लिए बेशुमार होता है। कुछ ऐसा ही तो पहली नजर का प्यार होता है। आशीष इस मोहब्बत के सफर में आगे बढ़े या ना बढ़े, लेकिन जयपुर का सफर जरूर आगे बढ़ने लगा। बस चल पड़ी और धीरे धीरे बस में बज रहे गानों का शोर भी बढ़ने लगा। वहां बज रहा गाना पहला ये पहला प्यार तेरा मेरा सोहनी, पहली ये मुलाकात है, पहली ये मुलाकात है। आशीष को तो लग रहा है जैसे ये सब उसके लिए ही हो रहा है। उसका दिल तो बार बार उबाल मार रहा होता है और उससे कह रहा होता है, अरे कमबख्त, इस मौके को यूं ही जाया ना जाने दो यार। अरे कुछ अपनी कहो और कुछ उसकी सुनो। जहां एक तरफ हाले दिल ये है तो वहीं दूसरी तरफ उसका दिमाग कुछ और ही पका रहा है। बिल्कुल नहीं, इस लड़की से कोई बात मत कर। अरे कुछ तो अपनी रेपुटेशन का ख्याल कर। जब तक वो पहले बात ना करे तब तक तो कुछ नहीं कहेगा। हाय, अब क्या करें इस दिल और दिमाग की सदियों से चलती आ रही लड़ाई का। कमबख्त कहीं दिल हार मान जाता है तो कहीं दिमाग, लेकिन यहां तो दिमाग का पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है। आशीष चाहकर भी उस लड़की से कोई बात नहीं कर पा रहा है। वहीं उसके साथ बैठी लड़की आशीष के हाव भाव बखूबी समझ पा रही है, मगर उसने भी देर ना करते हुए अपने हाथ में पकड़े बैग से अपनी फेवरेट किताब निकाली, हम तुम, और चुपचाप अपनी नजरें उस पर टिका दी। आशीष भी चुपके चुपके कभी उसको देखता तो कभी अपनी नजरें चुरा लेता। यूं ही चलते चलते कुछ समय बाद बस रुक गई और सभी उतरकर खाना खाने के लिए निकल पड़े। आशीष भी सबके साथ हौले से उतर गया। नीचे जाकर उसने देखा कि पूरा आसमान काले बादलों से घिराया है। हर तरफ चलती ठंडी ठंडी हवा जैसे उसके तन बदन में एक आग सी लगने लगी। शायद कुदरत भी उसकी खुशी में झूमना चाह रही है। अभी कुछ ही देर बीती है कि तेज बारिश ने मौसम को और खुशनुमा बना दिया। आसपास मौजूद हर किसी के चेहरे पर एक मुस्कुराहट खिलाई और आशीष भी कुछ अलग नहीं है। वो भी बारिश का मजा लेने के लिए चाय का ग्लास हाथ में पकड़े बाहर की ओर ही देख रहा है। अरे ये क्या, एक बार फिर उसका दिल 440 वोल्ट की स्पीड से दौड़ने लगा, क्योंकि वही बस वाली लड़की जो उसे एक बार फिर से दिखाई दी, जो अपने हाथों में बारिश की बूंदों को चेहरे पर गिरा रही है। उसकी आंखों का भोलापन, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट का डेरा देखकर तो आशीष का जो बचा कुचा सब्र रह गया था वो भी खत्म सा होने लगा। उस लड़की को देखकर साफ साफ पता चल रहा है कि वो बारिश को कितना एंजॉय कर रही है। तभी इसी बीच उस लड़की की नजर आशीष से जा मिली और आशीष को खुद को फिर से घूरता पाकर वो लड़की चौंक गई। अब उसकी नजर में आशीष को हल्का गुस्सा दिखाई देने लगा। आशीष ने पलक झपकते ही अपनी नजरें फेर ली
अभी ये लुका छिपी शुरू भी नहीं हुई है कि बस ड्राइवर के हॉर्न ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा और सब लोग जल्दी जल्दी बस की ओर बढ़ने लगे। आशीष के दिल की धड़कन बढ़ गई। कहीं वो लड़की मुझसे नाराज तो नहीं हो गई? कहीं वो अपनी सीट तो नहीं बदल देगी? कहीं उसने कंडक्टर से मेरी शिकायत कर दी? तो अपने इन ख्यालों के बवंडर से जूझता हुआ आशीष बस में चढ़ा तो उसने पाया कि वो लड़की पहले से ही सीट पर मौजूद है। आशीष जल्दी से उसके बगल वाली सीट पर जाकर बैठ गया। आशीष के वहां आते ही वो लड़की फिर से खिड़की के करीब हो गई। बस का सफर फिर से चल पड़ा। आशीष की खुशी की तो कोई सीमा ही नहीं है। वो तो बस हर कुछ मिनट के बाद घड़ी देखता जा रहा है, क्योंकि वो चाहता ही नहीं है कि यह सफर कभी खत्म हो। अपनी मंजिल तक पहुंचने का सोचकर ही उसका दिल बैठ सा जाता। इसी कश्मकश में न जाने कब आशीष की आंख लग गई और वो गहरी नींद में सो गया। अचानक उसके कानों में एक चिल्लाने की आवाज पड़ी, जयपुर आने वाला है, उठ जाइए सभी। ये सुनते ही जल्दी से आशीष ने अपनी आंखें खोली तो एक बार फिर उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि उसकी अप्सरा अपना सिर आशीष के कंधे पर रखकर गहरी नींद में सोई हुई है। उसकी उलझी लटें उसके चेहरे पर आ रही हैं। आशीष ने इतनी खूबसूरत लड़की आज से पहले कभी नहीं देखी थी। उसका मन कर रहा है कि वो उसके बालों को उसके चेहरे से हटा दे, लेकिन वो इस वक्त को कभी थमने नहीं देना चाहता। वो नहीं चाहता कि उसकी अप्सरा नींद से जागे। लेकिन आसपास होते शोर से वो लड़की की आंख खुल गई और उसने आशीष की ओर देखा। आशीष को फिर ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी चोर को रंगे हाथों पकड़ लिया गया है। उस लड़की ने फटाफट से खुद को संभाला और आशीष से खुद को दूर करने लगी कि तभी उसके बाल आशीष की शर्ट के बटन में फंस गए और उसकी कोयल सी मीठी आवाज आशीष के कान में पड़ी, आउच। आशीष को ऐसा लगा जैसे उस लड़की का दर्द उसने महसूस कर लिया हो। आप रुकिए, मैं करता हूं। इतना कहकर आशीष ने उसके बालों को आजाद किया और बिना एक पल की भी देरी किए वो लड़की बिना कुछ कहे, बिना आशीष की ओर देखे बस से निकलकर उतरने लगी। ये देखते ही आशीष के दिल की धड़कन बढ़ गई। वो कुछ भी करके उस लड़की से दूर नहीं जाना चाहता है। इसलिए आखिरकार उसने फैसला किया कि वो इस लड़की से बात करेगा और अपना सामान उठाकर बस से नीचे उतरने लगा तो उसका ध्यान गया अपनी शर्ट के बटन पर, जहां उस लड़की का एक बाल अभी भी उलझा हुआ है। उसे देखते ही आशीष की आंखों में खुशी चमकने लगी। उसे लगा जैसे कोई बेशकीमती तोहफा उसे मिल गया हो। मैं यकीन से कह सकता हूं आपने भी कभी ना कभी किसी ऐसे ही अपने की कोई ना कोई निशानी तो जरूर आज तक संभाल कर रखी होगी। जरा आज ही जाकर देखिए और एक बार फिर से महसूस कीजिए उसी मोहब्बत के एहसास को। अगले ही पल आशीष बस से उतरा और उसने चारों तरफ अपनी नजर दौड़ाई, लेकिन उसे वो लड़की कहीं पर भी दिखाई नहीं दी। उसकी आंखों की चमक उदासी में बदल गई। उसने आधा घंटा उस लड़की को बहुत ढूंढा, लेकिन वो तो ऐसे गायब हो गई जैसे कभी वहां थी ही नहीं। थक हार कर उस लड़की की भीनी भीनी सी खुशबू खुद में समेटे आशीष अपने दोस्त के घर रवाना हो गया। वहां पहुंचकर शादी के माहौल में ढलने के बाद भी आशीष उसकी महक से अपने आप को अलग नहीं कर पा रहा है। उसे ऐसा लग रहा है जैसे दिल तो उसने अपना उसी लड़की के पास छोड़ दिया हो, लेकिन अब वो करे भी तो करे क्या? उसका नाम तक भी नहीं जानता है, ना ही उसकी कोई तस्वीर उसके पास है। वो तो सिर्फ आशीष के दिल में बस चुकी है और अब उसे ढूंढे भी तो कैसे? लेकिन वो कहते हैं ना कि उम्मीद पर दुनिया कायम है, तो वैसी एक उम्मीद आशीष के मन में जरूर थी,
कि शायद कहीं ना कहीं कभी ना कभी वो लड़की उसे जरूर मिलेगी। यूं ही इस कश्मकश में पूरा दिन बीत जाता है और शाम को संगीत के लिए तैयार होकर वो बाहर निकलता है तो उसे वहां वही भीनी भीनी सी खुशबू का एहसास होता है। आशीष जल्दी से अपने आसपास देखता है लेकिन वो लड़की वहां कैसे हो सकती है, इसे महज वहम समझकर नजरअंदाज कर देता है। कुछ समय के बाद संगीत का फंक्शन शुरू होता है और वो अपने दोस्तों के साथ नाच रहा होता है लेकिन तभी एक बार फिर से उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है क्योंकि उसे वही लड़की दिखाई देती है और वो कोई और नहीं बल्कि उसके दोस्त उस दूल्हे की ही बहन है। ये देखते ही उसकी आंखें भी जैसे खिल उठती हैं और उसकी खुशी 100 गुना ज्यादा बढ़ जाती है। दोनों की एक दूसरे से नजरें मिलती हैं और ठीक उसी वक्त एक प्यार का एहसास होता है। उसका दिल उससे कहता है, काश ये जयपुर का सफर उसकी मोहब्बत का सफर बन जाए। ये मोहब्बत के सफर भी बड़े खूबसूरत होते हैं, नहीं? तो कैसी लगी आपको यह कहानी और आपको इस मोहब्बत के सफर में क्या अपना भी कोई हमसफर याद आया? अगर हां तो आप लिख भेजिए मुझे अपनी दास्तान और मैं सुनाऊंगा उसे अपनी जुबानी। तो फिर आपसे मुलाकात होगी एक नए इश्क एक नए कहानी के साथ। तब तक के लिए मैं आपका अपना केपीजे क्रांति प्रकाश झा आपसे लेता हूं विदा। बी हेल्दी, बी लव एंड टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ्स। थैंक यू वेरी मच।